दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। आज भिवानी के अंदर वीर दानवीर सेठ शिरोमणि चौधरी छाजूराम जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चौधरी छाजूराम जी वो शख्सियत थे जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। जितनी भी जाट संस्थाएं हैं एजुकेशन के मामले में, चाहे वो जाट कॉलेज है, जाट महाविद्यालय, जो कुछ भी जाट एजुकेशन संस्था जितनी थी, जिसमें सेठ छाजूराम जी ने अपने कार्य के आज भिवानी के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, जो भी सामाजिक संगठन है भिवानी के, जो भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके द्वारा भिवानी के जो भिवानी का जो राजीव गांधी कॉलेज है, उसके सामने जो सेठ शिरोमणि छाजूराम जी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर पुष्प अर्पित करके आज उनकी पुण्यतिथि बनाई जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। अमर रहे नमस्कार जी। आज दानवीर सेठ शिरोमणि छाजूराम जी की जो पुण्यतिथि आप लोगों ने मनाई है, तो सेठ जो छाजूराम थे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे विकास कार्य करवाए थे, तो थोड़ा उनके जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए, जिस टाइम में यहाँ पानी की भारी कमी होती थी इलाके के अंदर, मैं बारी बारी बताता हूँ उन्होंने क्या क्या किया। तो उन्होंने कम से कम 200 से 300 कुएँ खुदवाए ताकि लोग उसमें पानी पी सकें। उस इलाके में पानी नहीं था। उसके बाद में देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो किसान के मजदूर के बच्चे हैं, जो पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए उन्होंने अलग जगाई और उन्होंने खुद के पैसे से संस्था खोली, चाहे वो अपना हिसार की बात हो और चाहे यहाँ भिवानी के अंदर भी, जब ये जो आज किरोड़ी मल जो है संस्था, उसमें भी उन्होंने मदद की थी। चाहे किरोड़ी मल बीएड कॉलेज था, चाहे वेस कॉलेज था, उन्होंने दान दिया कि हमें दान देते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि भी इस प्रकार से उस टाइम का टाइम था तो उन्होंने दान दिया। उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात है, जब क्रांति थी देश के अंदर, देश को आज़ाद करना चाहते सुभाष चंद्र बोस जी की, उन्होंने आगे बढ़ के मदद की थी। जब वो जर्मन गए थे उसके टाइम उन्होंने जो पैसे की मदद थी वो हमारे सेठ छाजूराम जी ने की थी। उसके बाद में जो किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी, उनकी पढ़ाई, उनके और खर्चे की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। और ऐसे महान आदमी जिन्होंने कभी जात पात नहीं देखी, हर आदमी का भला करने की कोशिश करी। आज हम तमाम जो है बुद्धिजीवी आदमी है, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं और दूसरे भी फौजी भाई भी हैं, सब ने मिल के आज ये जयंती मनाई है। तो हम सब का कर्तव्य बनता है, जो महापुरुष हैं उनकी हमने जयंती मनानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये देख सके कि उन्होंने किस प्रकार से उस टाइम में शिक्षा के अलग जगाई थी और सारी चीज़ों का प्रबंध किया था। तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम पैदा होते हैं, हम उनको नमन करते हैं
और हम नौजवानों को खास तौर अपील करते हैं कि उनकी जो शिक्षा है उन पर चलना चाहिए। हम अलखपुरा गांव में बहुत ही गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे, वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण व्यापार में कलकत्ता में सेठ शिरोमणि हुए। उन्होंने पेशावर से लेकर कलकत्ता तक कोई भी ऐसी शिक्षण संस्था नहीं थी जिसमें दान नहीं दिया हो। वो हमेशा शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देते थे, शांति निकेतन में भी उन्होंने दान दिया। और उनका ये कहना था कि अगर स्कूल होंगे बढ़ेगा तो वहाँ एक विद्वान पैदा होगा, इसलिए मैं हमेशा स्कूलों की तरफ ध्यान देता हूँ। स्कूलों में ही उन्होंने अपना पूरा स्कूल और कुएं बावड़ी बनाने में ही अपना पूरा समय लगाया और पैसे का सदुपयोग किया। ऐसे हमारी समाज बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, इनको नमन करते हैं। नमस्कार भाई साहब, आज जो सेठ जी की जो पुण्यतिथि बनाई गई है, इनके जीवन प्रकाश के तो कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका जीवन तो खुद एक प्रकाश था, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सेठ साधुराम जी को किसी समाज के लिए भी और 36 बिरादरी के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे हैं और उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भी अपना दान दिया है, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी दान दिया है। जगह जगह उन्होंने हॉस्टल खोले हैं, लाइब्रेरी खोली हैं और उनके जीवन को हमें एक स्मरण के तौर पर रखना चाहिए और हर जगह उनकी जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन के ऊपर चलना चाहिए। सेठ साधुराम का जो जीवन चरित्र था उस पर तो किसी को प्रकाश डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद एक महान शख्सियत थे, लेकिन फिर भी थोड़ा आज की जो जनरेशन उसको सेठ साधुराम जी के विचार और उनके द्वारा विकास कार्य जो करवाए गए हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जैसे भाई कमल ने बताया कि जो साधुराम जी जो थे उनने शिक्षा के क्षेत्र में भी गरीब लोगों की मदद की, उसमें भी और देश के उसमें भी बहुत उनका योगदान रहा है। अब एक बात है कि धनपति बहुत होते हैं लेकिन श्रीपति बहुत कम होते हैं। श्रीपति वही व्यक्ति होता है जिसका धन जन कल्याण में लगता है, समाज और देश के हित में लगता है, उसको श्रीपति कहते हैं। चौधरी साधुराम जी जो थे वो वास्तव में धनपति के साथ साथ श्रीपति थे और बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि मेरठ के पास वो आर्य समाज के किसी उत्सव में गए हुए थे और वहाँ बाहर सड़क के ऊपर एक बच्ची फूल बेच रही थी। चोई साहब की नज़र उस बच्ची पर पड़ी, उसके पास छोटा भाई भी था उसका और उन्होंने कहा बेटी तू यहाँ क्या कर रही है, यहाँ आर्य समाज के बाद तेरे फूल कौन लेगा, तू ऐसा कर कि ये दो आने ले। उस वक्त उनको दो आने दिए उस लड़की को, इससे खाना खा और मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तू मेरी इंतजार करना। उस लड़की को चोई साहब ले गए, अनाथ बच्ची को उसका पालन पोषण किया और ये वही लड़की थी जो मीरा आर्य के नाम से प्रसिद्ध हुई और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन थी वो। और उसने नेताजी की सुरक्षा में जब वो ड्यूटी पर थी तो उसने उसका पति जो CID में था और नेताजी का घात करने आया था उसकी भी हत्या कर दी थी। तो ऐसी ऐसी लड़कियां जो है ये चौधरी साधुराम की ही उससे छत्रछाया में पली बदी थी। किसान नेता किसान मसीहा चौधरी छोटूराम हुए तो उनको बनाने में भी चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जितने भी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, बाद में सुभाष चंद्र बोस थे, इन सब लोगों को वहाँ से मदद मिलती थी और बहुत क्रांतिकारी उनके घर पर रहते भी थे, उनको हर तरह का सहयोग मिलते थे। तो चौधरी साहब वास्तव में श्रीपति थे और हमारा धन हमारी योग्यता अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन वो समाज के काम आए, देश के काम आए, इसकी प्रेरणा और इसका उदाहरण चौधरी साधुराम से बड़ा दूसरा नहीं हो सकता।